Good morning students, how are you all? In this video we are going to learn our Marigold English textbook for class 1. हमने अपने last video में हमारी unit number 9 की poem की थी clouds, okay? उसके बाद हमने new words देखे थे and then we completed our all activities that is given here. ये सारा हमने complete किया था. अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है. ट्रेस अलोंग द डॉट्स. आपको ये सारे डॉट्स दिए गए हैं ना, उसको ट्रेस करना है. ओके, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो यहाँ से ट्रेस पूरा कीजिए एंड देन सारे सारे डॉट्स कंप्लीट कर देना. ओके ओके, नाउ सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अम्ब्रेला. उसी तरह से आपको ये सारे डॉट्स भी कंप्लीट कर लेने हैं. ओके, से अलाउड, मेरे साथ जोर से बोलिए. कॉट, डॉट, हॉट, पॉट, क्राई, ड्राई, फ्लाई, स्काई, ड्रेन, ग्रेन, पेन, रेन, ब्रिंग, रिंग, सिंग, विंग. आपको पता है ये कौन से वर्ड्स हैं? यस, ये है हमारे राइमिंग वर्ड्स. नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं. मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स. यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं, आपको ये वर्ड्स उसके साथ मैच करने हैं. चलिए, रेन. अब बताइए रेन कहाँ पर हो रही है इस सभी पिक्चर में से? देखिए ये रही. यस, रेन यानी कि बारिश होना. तो आप यहाँ से इसको मैच करेंगे. चिल्ड्रन डांसिंग. चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, डांसिंग यानी कि नाच रहे हैं. देखिए कौन सी पिक्चर होगी? यस, ये वाली. तो आप करिए यहाँ से चिल्ड्रन डांसिंग. चिल्ड्रन सिंगिंग, बच्चे गा रहे हैं. ये रहा. यस, नाउ वेयर इज क्लाउड्स. बादल कहाँ पर हैं? कौन से पिक्चर में है बताइए? बहुत सारे क्लाउड्स यानी कि बादल, ये रहे. मैच दिस एंड नाउ द स्काई, जहाँ पर आपको पूरा आसमान दिख रहा हो. कौन से पिक्चर में है? यस, ये रही. तो मैच दिस हियर. ओके, डन दिस इन योर टेक्स्ट बुक. लेट्स रीड एंड राइट. चलिए पढ़ते हैं और लिखते हैं. एम N O P Q R. चलिए अब आपको ये डॉट्स को स्ट्रेस करके लिखना है, जैसे कि इस तरह से. ये कौन सा लेटर बन गया है? यस, M. उसी तरह से N. उसी तरह से सभी डॉट्स को ज्वाइन करके आपको पूरा ये पेज कंप्लीट करना होगा आर तक. फिल इन द ब्लैंक्स. चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे कि आई कैन रीड माय नेम. आप अपना नाम रीड कर सकते हो ना. चलिए, माय नेम इज. आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर, जो सबको ही आता होगा. माय नेम इज पूजा. आप अपना नाम लिखिएगा यहाँ पर, आपका नाम जो भी हो. आई एम डेस्क ईयर्स ओल्ड. आप कितने साल के हो यहाँ पर लिखिएगा. देन आई कैन राइट माई एड्रेस. क्या आप अपना एड्रेस लिख सकते हो? इफ़ यस, तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिखिए. एंड देन आई कैन काउंट टिल. आप कहाँ तक काउंट कर सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 तक कर सकते हो, 20 तक, 30 तक, 40 और 50 तक. यहाँ पर लिखिएगा माई टीचर्स नेम इज़. आपके टीचर का नाम क्या है? तो आप अपने टीचर का नाम यहाँ पर लिखिएगा अगर आपको आता हो तो. आई स्टडी इन क्लास 1. आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? क्लास 1 में. यहाँ पर लिखोगे 1. द नेम ऑफ माई स्कूल इज उपासना विद्यालय. है ना, आपके स्कूल का नाम तो आपको पता ही है. इट इज इन डैश सिटी. वो कहाँ, कौन से सिटी में है? तो क्या लिखोगे? यस, इट इज इन विथहॉर्न. ओके, सो डन दिस इन योर टेक्स्ट बुक. दिस इज अवर लास्ट एक्टिविटी.